हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल मैथ्स टाइम विद सागर राय पे। मैं आज फिर एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो बिना किसी देरी के आज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, प्रूव कॉस क्यूब 2 थीटा प्लस 3 cos 2 थीटा इक्वल टू 4 times cos power 6 थीटा माइनस साइन पावर 6 थीटा। तो ये क्वेश्चन हम RHS से स्टार्ट करते हैं। तो पहले RHS लिखते हैं, 4 cos power 6 थीटा माइनस साइन पावर 6 थीटा। तो कॉस पावर 6 थीटा को क्या कर सकते हैं, हम कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिख सकते हैं और इसको साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब लिख सकते हैं। इसके बाद ये a³ - b³ का फॉर्मूला में जाएगा। तो a³ - b³ का फॉर्मूला होता है, a³ - b³ का फॉर्मूला होता है a-b into a² + ab + b²। तो वही फॉर्मूला मैं यूज करने जा रहा हूँ। तो a-b मतलब हो जाएगा cos²θ - sin²θ। उसके बाद a² मतलब हो जाएगा cos²θ का होल स्क्वायर प्लस ab मतलब हो जाएगा cos²θ into sin²θ cos²θ dot sin²θ प्लस b² मतलब हो जाएगा sin²θ का होल स्क्वायर। तो 4 cos²θ - sin²θ हो जाएगा, ये जो है cos²θ का फॉर्मूला हो गया, और ये cos²θ का होल स्क्वायर और sin²θ का होल स्क्वायर को अरेंज कर लेते हैं। उसके बाद 4 cos²θ ये a² + b² के फॉर्मूले में चला जाएगा। तो a² - b² का फॉर्मूला होगा a+b² - 2। a मतलब हो जाएगा cos²θ और b मतलब हो जाएगा sin²θ। उसके बाद 4 cos²θ, cos²θ + sin²θ मतलब 1 होगा, और 1 का स्क्वायर हो गया इधर, और ये -2 cos²θ sin²θ और +cos²θ sin²θ ये सेम है। तो यह माइनस बड़ा है, इसीलिए -1 cos²θ dot sin²θ होगा, जिसमें 1 लिखना जरूरी नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। और ये हो गया 1 cos²θ dot sin²θ। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, जैसे कि हम लोग को LHS पे, हम लोग ने RHS से स्टार्ट किया है तो LHS लाना है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, cos³ 2 थीटा है, 3 cos 2 थीटा है, मतलब सभी जो है इधर cos में भी है, और ये इसका बेस जो है मतलब cos²θ है। तो ये cos²θ में आया, तो इसको भी हम लोग को cos²θ में चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, पहले इसको मैं 1/4 × 4 करके साइन पे ले जा सकते हैं इसको, जैसे कि 1 - 1/4, 4 cos²θ sin²θ हो जाएगा 2 sin θ dot cos θ का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 1 - 1/4, 2 sin θ cos θ मतलब हो जाएगा sin²θ, और यहाँ बाहर में स्क्वायर है, इसीलिए यहाँ पे मैं स्क्वायर भी दे देता हूँ। उसके बाद 4 cos²θ, तो यहाँ एलसीएम ले सकते हैं, 4 × 1 हो जाएगा 4 - 1 × sin²²θ हो जाएगा, जैसे कि यहाँ कुछ नहीं होगा, तो 1 × 1 sin²²θ मतलब यही होगा, 4 × 1 हो जाएगा 4। तो उसके बाद क्या कर सकते हैं,
फोर कॉस टू थीटा फोर माइनस साइन स्क्वायर टू थीटा को चेंज कर सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर टू थीटा पे चेंज कर सकते हैं। और नीचे फोर रह गया, ये फोर तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ रह गया कॉस टू थीटा और यहाँ पे फोर माइनस माइनस और वन हो जाएगा माइनस वन, और माइनस हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर टू थीटा, कॉस स्क्वायर टू थीटा। और नीचे तो फोर कैंसिल हो गया तो डिनोमिनेटर भी कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद फोर माइनस वन हो जाएगा थ्री प्लस कॉस स्क्वायर टू थीटा, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री कॉस टू थीटा होगा प्लस कॉस स्क्वायर टू थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब हो जाएगा कॉस क्यूब टू थीटा। तो ये और ये एग्जैक्टली सेम है, कॉस क्यूब टू थीटा, कॉस क्यूब टू थीटा प्लस थ्री कॉस टू थीटा प्लस थ्री कॉस टू थीटा। तो ये हो गया, ये हो गया एलएचएस प्रूफ्ड। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को सच में अच्छा लग रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर मेरा चैनल आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा आगे और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।